जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मोस्ट कॉमन एनएसजी के जो एक्रोनोम है ना उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज का जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोस्ट कॉमन एनआईसी के एक्रोनोम्स। वो कौन कौन से एक्रोनोम्स हैं और क्या उनका मतलब है वो पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन एनआईसी, एनआईसी का मतलब क्या होता है? एनआईसी का मतलब होता है नियोनेटल एनआईसी यू, मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जो नवजात की गहन चिकित्सा इकाई होती है ना उसको अपन एनआईसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या क्या वो एक्रोनोम्स हैं वो। तो फर्स्ट जो एक्रोनोम है वो है एच आई ई। क्या मतलब होता है एच आई ई का? अपन फाइल पे लिखा हुआ देखते हैं, एच आई थर्ड, एच आई सेकेंड, एच आई फर्स्ट, है ना, ऐसे ऐसे। तो एच आई का मतलब क्या होता है वो, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपोक्सिक इस्केमिक एंड स्पेलोपैथिक। हाइपोक्सिक का मतलब ऑक्सीजन कम, ओ टू डिक्रीज, ठीक है। इस्केमिक का मतलब ब्लड डिक्रीज, यानी जो ब्लड की जो सप्लाई है ना, ब्लड सप्लाई वो डिक्रीज हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है मोस्ट कॉमनली? हाँ, होती है, ऑक्सीजन कम है, ब्लड भी कम होता है, कहाँ पे? एनस्पिलोपैथी, यानी ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर वो क्या है कि जो ब्लड की जो सप्लाई है वो, ऑक्सीजन की सप्लाई वो धीरे धीरे कम होती है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एच आई ई, यानी हाइपोक्सिक इस्केमिक एनस्पिलोपैथी। जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसका मतलब ये होता है, यानी ऑक्सीजन और ब्लड की जो कमी है ना वो कहाँ पे हो जाती है? ब्रेन के अंदर। एनस्पिलोपैथी, पैथी का मतलब होता है डिजीज और एनस्पिलोपैथी का मतलब होता है ब्रेन। अपन ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ते, डाइनसिप्लोन, मेजनसिप्लोन, प्रोजनसिप्लोन, फिर मेटनसिप्लोन या सिम्प्लोन, ऐसे ऐसे उसके डिवाइडेशन किया गया। वैसे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो अपन सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडल ऑफ लागेटा, ना प्रमस्तिष्क, सनमस्तिष्क और मेडल ऑफ लागेटा, ऐसे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो वो, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ होते हैं? लेट प्रीटर्म्स, लेट प्रीटर्म्स होता है, ठीक है। 37 वीक से पहले पहले का क्या बोलते हैं अपन? प्रीटर्म्स बोलते हैं। तो लेट प्रीटर्म 37 वीक से, 37 वीक तक अपन लेट प्रीटर्म बोल सकते हैं। टर्म्स जैसे 37 से मोर देन 37 और लेस देन 42 वीक का जो बीच का टाइम है ना वो अपन टर्म्स में बोलते हैं। 42 वीक के बाद का टाइम है वो पोस्ट टर्म होता है, ठीक है, ये होता है। सेकंड जो अपने टर्म है वो है आईवीएच। अपने देखा है फाइल पे आईवीएच भी लिखा होता है। आईवीएच का मतलब क्या होता है? इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग हो गई, यानी ब्लीडिंग है ना वो हो गई है। तो ब्लीडिंग हो गई है, हेमरेज हो गई, कहाँ पे होती है? इंट्रा वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं ये थोड़े सोचने का, तो वेंट्रिकल ब्रेन में होते हैं। अपन पढ़ते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, जहाँ अपने अपना सी एस एफ आके वहाँ का बनता है ना, सी एस एफ बनता है, जैसे सबरेक्नोड स्पेस होता है, ठीक है, कोरोड फ्लेक्सेस होता है, वहाँ से फिर सबरेक्नोड स्पेस होता है, वहाँ से फिर वो है ना फोरामेन मेगैंडी, फेरामेन ब्लूस्का, फोरामेन ऑफ, अलग अलग होता है ना, वहाँ पे जाके फिर सी एस एफ का प्रोडक्शन होता है, फिर अपन एल पी के अंदर उसे सी एस एफ लेते हैं। तो वो एक क्या है? इंट्रा वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ, थर्ड वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, है ना। तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब आई वी एच की कंडीशन है, इंट्रा वेंट्रिकुलर की हेमरेज, ठीक। तो ये हो गया सेकेंड एक्रोनोम्स, एग्जाम में भी बहुत आती है ये। तो जो थर्ड एक्रोनोम है उसका नाम है आर ओ पी, फाइल पे लिखा होता है ना आर ओ पी। क्यों लिखते हैं आर ओ पी? क्या मतलब आर? आरओपी का मतलब होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। रेटिनोपैथी हो जाती है किसमें? प्री मैच्योरिटी। तो रेटाइनोपैथी का मतलब होता है रेटाइना जो होती है ना जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना, चलचित्र बनता है, तो उसकी पैथी हो जाती है। पैथी का मतलब डिजीज ऑफ प्री मैच्योरिटी, वही है, लेस देन 37 वीक पे अगर रेटाइना की पैथी हो रखी है तो उसको अपन रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन को अपन बोलते हैं आरओपी, शॉर्ट फॉर्म में आरओपी लिखते हैं। तो ये होता है आरओपी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। जैसे ऑक्सीजन अपन बढ़ाते हैं है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस करवा देते हैं, उसके लास्ट जो कंडीशन है फिर अपन रेटाइना के ऊपर इफेक्ट डालती है आईज पे, तभी बच्चों को देते हैं ना काफी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, तो उसमें फिर अपन को क्या है कि आई की जो कंसल्टेंट है उनसे राय लेनी पड़ती है, ब्रेन उसका जो आईज है ना उसमें रेटाइना का डिटेचमेंट भी हो सकता है या आई के अंदर रेटिनोपैथी भी हो जाता है ना। शुगर से भी ये होता है, जैसे किसी पर्सन की जैसे शुगर बढ़ी है ना, तो फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना उसका पहला क्या होगा? नेफ्रोपैथी। सेकंड क्या होगा? रेटाइनोपैथी। थर्ड क्या होता? न्यूरोपैथी। नेफ्रो, रेटाइनो और न्यूरो, ऐसे क्रम चलता है। जैसे जैसे शुगर बढ़ेगा पहले किडनी पर टिक डालेगा क्योंकि छानेगा वहीं से। सेकंड क्या है कि वो जाएगा ब्रेन पे, आईज पे है ना, और स्क्लेरा वगैरह सारी पे, और लास्ट जाके ब्रेन पे जाएगा। तो वो नहीं पढ़ रहे अपन, अपन पढ़ रहे हैं अभी अभी जो एक्रोनोम है वो, ठीक है। तो सेकंड एक्रोनोम से अपने पढ़ा वो आरओपी बताया था, थर्ड, और जो फोर्थ है वो है आरडीएस। अपने देखा है आरडीएस लिखते हैं डॉक्टर, ये आरडीएस है। आरडीएस का मतलब क्या होता है?
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी सांस लेने में डिस्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आरडीएस। तो मोस्ट कॉमनली अगर आरडीएस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो आरडीएस होता है वो एचएमडी के अंदर अंदर में आता है। एचएमडी का मतलब क्या होता है, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। जो हाईलाइन मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन में वो मतलब डिजीज हो जाती है, उसी कंडीशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अकर हो जाता है। क्योंकि रेस्पिरेटरी में वही है, फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसमें सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं, क्लियरा सेल सेकेंड होती है ना लंग्स की, जो क्लियरा सेल होती है ना, क्लियरा सेल सेकेंड, उसमें सर्फेक्टेंट रिलीज होता है, फॉर्मिटिक एसिड होता है, और फिर वही है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबी दो परवर्ती परवर्ती सो करता है ना, तो उसमें जैसे वहाँ पे सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं हो पाते। अब सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होते तो फेफड़े होते वो लाइव नहीं हो पाते, अब पिचक गए तो पिचक गए, फूलेंगे नहीं, तो सर्फेक्टेंट की कमी के कारण से आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, ठीक है। और मोस्टली जो हाईलाइन मेम्ब्रेन होता है, हाईलाइन डिजनेटिव मेम्ब्रेन होती है, डिजनेट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, टिश्यू की टिश्यू होती है ना, तो इस प्रकार से जो जो टिश्यू होते हैं ना वहाँ के, जैसे हाईलाइन मेम्ब्रेन बनती है, तो उसकी डिजीज होना से होने से फिर आरडीएस हो जाता है, ठीक है, मोस्टली तो एचएमडी हो जाता है। और आरडीएस, एचएमडी का फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, और आरडीएस का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। आरओपी का मतलब होता है प्रीमैच्योरिटी, तो ये कंडीशन होती है। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, तो नेक्स्ट है वो है अपन देखते हैं बीपीडी लिखते हैं, बीपीडी। बीपीडी का मतलब क्या होता है, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ब्रोंको जो ब्रोंका ही होती है ना, फर्स्ट अपन जैसे ट्रेकिया से फिर कैरिना के थ्रू दो डिवाइडेशन होता है, बीच में कैरिना होता है, दो डिवाइडेशन, राइट और लंग, राइट का पेटेंट होता है, लेफ्ट का थोड़ा कम पेटेंट होता है, क्योंकि राइट की तरफ वेंटिलेट भी करते हैं तो राइट साइड का ज़्यादा वेंटिलेट होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में जैसे राइट साइड का जो लंग्स है तो उसमें आगे जाकर जैसे ब्रोंकियल्स होते हैं, फिर ब्रोंका ही होती है, फिर लास्ट में जो गैस, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है ना उसको बोलते हैं एल्वोलाई, पाउच होते हैं, पाउच ऑफ सैक होते हैं, उसके बाद में अपन उसमें एयर भरते हैं उसको न्यूमोसाइट्स बोलते हैं ना, तो वो अलग अलग कंडीशन वाले नहीं पड़ते। तो जैसे ब्रोंका ही होती है, वहाँ पे जो पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई देती है ना, ब्लड सप्लाई कौन देती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसका डिस्प्लेजिया हो जाता है। डिस्प्लेजिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेजिया भी बोलते हैं, डिस्प्लेसिया मतलब वो डिस्प्लेस हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया बोलते हैं, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बीपीडी बोलते हैं। अपन फाइल पे लिखा होता है ना बीपीडी, आरओपी, एचआईई ऐसे लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है बीपीडी का, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, मोस्टली एनआईसीयू के अंदर, ठीक है, न्यूनेटल आईसीयू के अंदर। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है वो अपन ने पढ़ा है, देखा है एजीए, ठीक है। तो एजीए क्या मतलब होता है, एजीए का, तो एजीए का मतलब होता है अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज, यानी प्रेगनेंसी के अंदर जो गेस्टेशन वीक होते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर अपन एजीए की काउंट करते हैं। एजीए का मतलब अप्रोप्रिएट, यानी 10-19 जो परसेंट होते हैं ना, परसेंटाइल बिटवीन रहता है इनके अंदर, मतलब एवरेज रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है, लेवल में रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, 10-19 परसेंटाइल बेबी जो है उसका वेट, तो ये है, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो उसको बोलते हैं SGA, इसको बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज। इसके अंदर जो 10% है, लेस देन 10% मतलब कम होता है, ठीक है, मतलब जो अपन बेसिकली मानते हैं उससे वो थोड़ा सा कम होता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, जो जो गेस्टेशनल एज अपन को मानने चाहिए उससे वो स्मॉल होता है, थोड़ा होता है, इसको बोलते हैं SGA। थर्ड है वो है LGA, LGA का मतलब होता है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। जैसे मेरी इमेज के पीछे आ गए, थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसको बोलते हैं एलजीए का मतलब होता है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। वो क्या है कि 90% है ना, 90% वो इनक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। तो एजी अपन पढ़ा अप्रोप्रिएट हो जाता है, एलजीए का मतलब स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होता है, जो गेस्टेशनल एज अपन मानी उससे थोड़ा कम हो जाते हैं, एलजीए का मतलब लार्ज होता है, 90% इसमें ज़्यादा हो जाता है, स्मॉल में 10-19% कम हो जाता है, मतलब 10% कम हो जाता है, और एजी का मतलब अप्रोप्रिएट होता है 10-19%, ठीक है। तो इस प्रकार वो एक वो एजी और एलजी का एक बेसिक चार्ट भी होता है, उस पर अपन देखते हैं कहाँ पे वो आ रहा है, उस कंडीशन में अपन उसको डिसाइड करते हैं कि एचजी में आएगा, एलजी में आएगा, या एजी के अंदर आएगा। तो उसका अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है, वो चार्ट भी देखेंगे बाद में कभी नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद अपन पढ़ते हैं MES, अपन देखते हैं ना बच्चे के अंदर, जो बच्चा अभी भी डिलीवर हुआ उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या जो है ना, उसमें अपन देखते हैं मीकोनियम सा, है ना। तो मीकोनियम क्या होता है, मीकोनियम होता है जो फर्स्ट ब्लड फर्स्ट जो स्टूल पास करता है, बेबी फर्स्ट स्टूल पास करता है, ठीक है,
उसको अपन बोलते हैं मेकोनियम। अब मान लो बच्चे ने गर्भ वुम्ब के अंदर स्टूल पास किया और वो एस्पिरेट कर लिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एमएएस, मेकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम। एस्पिरेट कर जाता है, अपन बोलते हैं निगल गया, एस्पिरेट का मतलब क्या होता है, निगलना, तो एस्पिरेट कर जाता है, उसमें मेकोनियम क्या तो फ्रेश स्टूल पास करता है, उसको वो निकल जाता है, उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एम ए एस, ठीक है। या अपन कुछ केस में ऐसे बोलते हैं ना, एम ए एम एस एल, एम एस एल बोलते हैं, एम एस एल का मतलब क्या मतलब होता है, तो मेकोनियम स्टेन लीक कर, मेकोनियम है ना वो लीक कर गया, लीक कर हो गया मेकोनियम, मतलब वो मतलब उसको एस्पिरेट कर दिया, उस कंडीशन में एम एस एल बोलते हैं, बोलते हैं ना एम एस एल का केस है ये, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। एक अपन देखते हैं एन ए सी लिखा होता है, एन ई सी, तो हमेशा ध्यान रखना एन ए सी का मतलब होता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। आईबीडी बोलते हैं ना इंटेस्टाइन एंड बोबल डिजीज, ठीक है, तो वो कंडीशन भी आगे जाकर क्रिएट होता है नेक्रोटाइजिंग, ठीक है। नेक्रोटाइज हो गया, बाकी जो टिश्यू है उनकी सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई, वो नेक्रोटाइज हो गए, खत्म हो गई, पहला उसमें गेंग्रीन आता है भाई, पहले तो क्या होता है बेड सोर होता है, एक कंडीशन बताऊँ तो बेड सोर होता है, फिर उसके बाद में गेंग्रीन होता है, गेंग्रीन वेट होता है ड्राई, दो प्रकार की होती है, ठीक है। और इन गैंग्रीन के बाद में जो होता है वो होता है नेक्रोटाइज, मतलब वो टिश्यू की सप्लाई और वो ना वो सारा खत्म हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं एन ई सी, नेक्रोटाइजिंग। इसमें बोल साउंड वगैरह भी नहीं आती, अलग अलग इसकी स्टेजेस होती हैं, उसमें बोल साउंड नहीं आती, फिर अपन उसको क्या है कि वो एन बी एम रखते हैं, है ना, तो उसके लिए अपन उसको एन बी एम रखते हैं, क्योंकि एन ई सी के अंदर आ गया। फिर अगर अच्छी एंटीबायोटिक दी जाए तो फिर क्या है कि वो जो तो बोल साउंड वगैरह भी आ सकती है ना, तो इस प्रकार ये एन ई सी का। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जिसमें अपन ने एनआईसी के एक्रोनोम्स के बारे में पढ़ेगी, कौन कौन से एक्रोनोम है, जिसके अंदर अपना आरओपी पढ़ा, एनईसी पढ़ा, एचआईई पढ़ा, एमईएस पढ़ा, एसजीए एलजीए आरजीए के बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पे बनाने का मन करता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।